हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अभी तक हमने पढ़ लिया था आप लोगों के वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी के बारे में जान लिया था, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। उससे पहले हमने नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जान लिया था। उससे भी पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जाना था, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना जाना था। अब अगर आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट आ गए होंगे तो अब हम इससे रिलेटेड और आगे बढ़ेंगे, लेकिन वर्नर थ्योरी के कंसेप्ट को समझते हुए अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, वर्नर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, देख लेते हैं यहाँ पर वर्नर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से हमको डील करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को डीलिंग मेथड आप लोगों को आना चाहिए। देखो, एक्चुअली सबसे सिंपल चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। अगर आप लोगों को डीलिंग मेथड आएगा तो आप लोगों को सब आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा अ प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स ऑफ अमोनिया एंड क्लोरीन प्रोड्यूस फोर आयन पर मोलिक्यूल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इन सॉल्यूशन अब आपको बताना है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है। ठीक है, तो मैं कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ, आप लोगों को बताना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आप लोगों को बताना है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो यहाँ पर पीटी NH3 5 Cl3 बी, यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका पीटी NH3 6 Cl4। सी ऑप्शन है आपका बच्चों यहाँ पर PtNH3 2 Cl4। Cl4 अंदर है बच्चों यहाँ पर Cl4। ठीक है, अब डी ऑप्शन है बच्चों यहाँ पर PtNH3 4 Cl2 Cl2। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों को डीलिंग करना सीखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम एक कंसेप्ट को साइड में ही समझेंगे, एन फैक्टर कंसेप्ट कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर निकालना, वो भी मैं आप लोगों को साइड में सिखाऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कंसेप्ट से फिजिकल में भी क्वेश्चन, फिजिकल के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन में आपको फिजिकल डाल देगा, आपको बोल देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब फिजिकल डाल देगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों का मिक्सचर, वो क्वेश्चन नया हो गया। ठीक है, आप लोगों के लिए नया कंसेप्ट आ गया। तो ऐसा नहीं डरना है, आप लोगों को क्वेश्चन को डील करना सीखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को डील हम कैसे करेंगे बच्चों, देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला गया है, कंसेप्ट को पकड़ो। कंसेप्ट देखो, व्हाट इज द रियल कंसेप्ट, फोर आयन पर मोलिक्यूल, मतलब एक मोलिक्यूल में चार आयन। नहीं समझ में आया, इस लाइन का मतलब ही आपका ये होता है कि एक मोलिक्यूल में चार आयन। अब कि इन सारे कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक मॉलिक्यूल में चार आयंस हो, कल निकालना बताया था कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसको पानी में क्या कर दो बच्चों तोड़ दो। देखो मैंने तोड़ा। ठीक है, तोड़ने वाली चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती जल्दी, तो 3Cl- और यहाँ पर 3+, ये मैंने तोड़ दिया। अब इसको भी पानी में डिसोसिएट करो जल्दी से, यहाँ पर क्या हो जाएगा PtNH3 6, यहाँ पर हो जाएगा 4Cl-, यहाँ पर 4+। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपका पानी में टूटेगा नहीं, पानी में अंदर वाले टूटते नहीं है। अगर काउंटर आयन होगा तो पक्का टूटेगा, 100% टूटेगा, इस बात का ध्यान रखो आप लोग। ठीक है ना, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब इसको तोड़ो पानी में, इसको अगर आपने पानी में तोड़ा,
ठीक है, पानी का मतलब H2O, पानी में तोड़ा तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, PtNH3 4Cl2, यहां पर क्या हो जाएगा 2Cl- और यहां पर 2+। ठीक है, अब चेक करो कि किसमें कितने आयन बने, यहां पर नो डिसोसिएशन अकर मतलब टूटेगा ही नहीं, तो किसी भी टाइप का डिसोसिएशन नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें कितने आयन से, इसमें कितने आयन से, तो आपको बताओ इसमें आपके कितने आयन है, इसमें आपके 3 और 1 ये 4, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है, 3 माइनस चार्ज और 1 प्लस चार्ज। ये नहीं काउंट करेंगे कि ये 3 है ये 1 है, ऐसा नहीं करते। Cl माइनस कितने हैं 3, और PtNH3 5Cl3+ कितने हैं 1। तो ये होता है, एक ये होगा और ये कितने हुए बेटा, Cl-3 हुए, जो टोटल कितने आयन से बच्चों यहाँ पर 4 आयन्स। इसको काउंट करो, ये आपका 4 और यहाँ पर 1 पूरा, ये है, ये 1 पूरा होगा तो कितने हो गए बच्चों 5 आयन्स। ठीक है, यहाँ पर नो आयन्स, किसी भी टाइप का आयन्स नहीं है, यहाँ पर कितने होंगे आयन्स, यहाँ पर बोलो 2 ये 1 ये, तो कितने हुए 3 आयन्स है। अब आपसे पूछा है कि ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जिसके अंदर आयन्स सबसे, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 आयन हो, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयन्स हो 4 आयन्स हो, तो कौन सा मॉलिक्यूल है 4 आयन इसमें दिख रहा है, तो आंसर आपका होगा ए। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा और ब्रॉड में करता हूँ, आप लोगों को आयन्स नहीं बताने हैं, आप लोगों को बताना है कंडक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो अगर मैं कंडक्टिविटी ऑर्डर निकालना चाहूँ, तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयन्स। अब बताओ कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी उसकी होगी जिसमें आयन्स सबसे ज़्यादा होंगे, जिसमें आयन्स क्या होंगे बच्चों सबसे ज़्यादा, तो हाई आयन्स किसमें, इसमें 5, इसमें फिर 4, फिर 0 होता है, फिर आपका 3 होता है ना बेटा, नहीं ध्यान रखो 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 0, तो क्या होगा सबसे ज़्यादा आयन्स आपके किसके अंदर है बच्चों, बी के अंदर, तो बी की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका ए का है, ए की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका डी का है, डी की कंडक्टिविटी ज़्यादा, उसके बाद आपका सी का, तो दिस इज़ अ कंडक्टिविटी ऑर्डर, दिस इज़ अ व्हाट कंडक्टिविटी ऑर्डर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है और बच्चे इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम गलती करते हैं, तो आई होप सो कि अब आप लोग इसमें गलती बिल्कुल नहीं करोगे, कतई इसमें गलती नहीं करोगे, मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है। अब मैंने आपको बताया था एन फैक्टर रिलेटेड कंसेप्ट में आपको अभी एक और बार, एक्चुअली ये एन फैक्टर एंड ग्राम इक्वलेंट दोनों कंसेप्ट को मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपके काम में आएंगे। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा करके लिख लेना, एक्चुअली आपका फिजिकल का पॉइंट है, फिर भी मुझे आपको बताता हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा करके मैं आपको बता देता हूँ, ये एन फैक्टर है एंड ग्राम इक्विवेलेंस। एक्चुअली एन फैक्टर क्या होता है बच्चों, समझना एन फैक्टर होता है बच्चों आपका नंबर ऑफ कैटायन इनटू चार्ज और इसका मॉडुलस, या फिर क्या होगा नंबर ऑफ एनायन इनटू चार्ज और उसका क्या होगा बच्चों मॉडुलस। ये चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज का क्या होता है बच्चों मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पर क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये होता है एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये होता है, आप लोगों का ध्यान रखना है, आज ही इस फॉर्मूले को याद करियो, रिवाइज करो, अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है, एन फैक्टर निकालने का मैंने तरीका बता दिया, या तो हम कैटायन में डील करेंगे या तो हम एनायन में डील करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि मैंने दोनों में एक साथ डील कर दिया, या तो कैटायन में डील करेंगे या तो एनायन में। तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि या तो आप कैटायन वाला ध्यान रखो या तो आप एनायन वाला ध्यान रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज अ कंसेप्ट विच इज कम्स फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन, ग्राम इक्वलेंस कंसेप्ट।
सो दैट्स व्हाई वी कैन एक्सप्लेन इज वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट्स मोर एंड मोर बट आप लोग यहाँ पर फॉर्मूले को ध्यान रखो ठीक है एन फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उसका मॉडुलस या फिर आप तो सिंपली ध्यान रखो बस आप कैसे भी ध्यान रखो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ पर मॉडुलस हटा दूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ठीक है ऐसा ध्यान रखो चलो आप लोगों को ध्यान रहेगा नहीं नंबर ऑफ मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा और या तो ये ऐसा नहीं है कि हमने दोनों अप्लाई कर दिया एक को अप्लाई करना है और किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कैटायन भी होंगे और नंबर ऑफ एनायन भी होंगे जैसे एज एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ एग्जांपल आप लोगों के लिए अब देखो एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर K4Fe(CN)6 ठीक है अब देखो K4Fe(CN)6 का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे मुझे तो दिख गया अब आपको देखना बाकी है देखते हैं काफी इजी है तोड़ देते पहले हम इसको यहां पर क्या आएगा 4K प्लस और यहां पर क्या जाएगा FeCN6 माइनस अब देखो अगर मैं ऊपर वाला लेता हूं कैटायन वाला तो अगर मैं कैटायन के हिसाब से करूंगा तो नंबर ऑफ कैटायन कितने चार कैटायन है और चार्ज कितना है 1 है तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 इसका एन फैक्टर कितना हो आपका हो जाएगा बच्चों सॉरी 4 ठीक है लेकिन अगर एनायन के कॉन्सेप्ट से लिया मैंने ये मैंने कैटायन से लिया और यहां अगर मैंने एनायन से लिया ठीक है दोनों में और लगेगा और का मतलब ये है कि अगर मैं इससे सोल्व करूंगा तो भी वैल्यू सेम आएगी तो दोनों में से कोई एक लेना है तो यहां पर क्या हो जाएगा अब जल्दी से बताओ यहां पर 4 माइनस आएगा क्या आएगा यहां पर 4 माइनस अब बताओ नंबर ऑफ एनायन कितने बच्चों यहां पर एक लिखा हुआ है और चार्ज कितना है चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 तो टोटल 4 या तो ऐसे करो ऐसा नहीं है कि दोनों को करो किसी एक को कर लो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट से बता दिया है आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से क्लियरिफाई ठीक है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ध्यान रखना है ठीक है आई होप कि आप लोगों को आ गया होगा तो ये तो था हमारा एन फैक्टर ठीक है एन फैक्टर का मैंने आपको बता दिया ठीक है इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और वीडियो को पॉज करके फिर अब हम आगे की ओर मूव करेंगे थोड़ा सा ग्रेम इक्विवेलेंस के बारे में बता दूं तो ग्रेम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है उसको समझ लेते हैं ठीक ना यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिख लेना सब कुछ जो मैं लिखा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा में लिख लेना यहाँ पर जो अभी मैं लिखा रहा हूँ वो सब एक्स्ट्रा में करके लिख लेना ये एक्चुअली आपके रेडॉक्स चैप्टर में आ चुका होगा ठीक है ग्रैम इक्विवेलेंस क्या होता है बच्चों ग्रैम इक्विवेलेंस बोलो ठीक है आप समझ लेना ग्रैम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला आपका होता है बच्चों यहाँ पर नॉर्मालिटी इनटू वॉल्यूम बट यहाँ वॉल्यूम किस में होगा बच्चों यहाँ वॉल्यूम आपका होगा लीटर में अगर मैंने बोला मिली इक्विवेलेंस तो मिली इक्विवेलेंस का मतलब आपका वॉल्यूम किस में होगा बच्चों आपका एमएल में ठीक है चलो छोड़ो ये भी आ गया एक और फॉर्मूला होता है ग्रैम इक्विवेलेंस का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों मोल इंटू एन फैक्टर इसीलिए मैंने आपको एन फैक्टर निकालना बताया था समझ में आया मोल इंटू एन फैक्टर ये भी एक फॉर्मूला होता है ठीक है ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान होने चाहिए अच्छे से मगअप करो अच्छे से समझो ठीक है एन का मतलब नॉर्मालिटी वी का मतलब वॉल्यूम अगर एम एल में होगा तो मिली ठीक है अगर यहाँ पर मिली इक्विवेलेंस लिखना चाहूँ तो दोनों एक ही बात है बच्चों अगर मैं यहाँ पर मिली इक्विवेलेंस लिखना चाहूँ तो मिली इक्विवेलेंस का मतलब आपको मोल को किस में लेना पड़ेगा मिली मोल इंटू एन फैक्टर तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो मैं तो जनरली हमेशा वॉल्यूम को लीटर में लेके सॉल्व करता हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन फास्ट टू फास्ट सॉल्व हो ठीक है और इक्विवेलेंस का एक जो बेस्ट फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है बेटा ग्रैम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ठीक है और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है
इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब देखो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा बच्चों? इसका मोलर मास अपॉन उसका एन फैक्टर मतलब डिवाइडेड बाई 4। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मोलर मास इसका और डिवाइडेड बाई एन फैक्टर 4। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मोलर मास लेना पड़ेगा। मोलर मास का, मोलर मास वर्ड का मतलब है एक मोल का मास। मोलर मास वर्ड का मतलब है एक मोल का मास। तो ये एक्स्ट्रा में लिखो, आपको यहाँ पर काम आएगा, वर्नर थ्योरी में काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कौन कौन सी चीजें काम आएगी, एन फैक्टर और ग्राम इक्विवेलेंस। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंस के बारे में मैंने बता दिया। चलो इसको एन फैक्टर को इधर कर लेते हैं, एन फैक्टर, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंस। ठीक है, इस तरीके से अच्छा लगेगा कि आप लोगों को दोनों चीजें ध्यान होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझो, कोशिश करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमारा वर्नर थ्योरी ही चल रहा है। अब देखो वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी में मैं आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेट। नोट डाल के लिखना ये चीज, नोट डाल के लिखना प्रिसिपिटेट। अब देखो जो आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जो आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके प्रिसिपिटेट हो सकते हैं। जो आपके आयोनिक बॉन्ड से अटैच होते हैं वो आपके क्या हो सकते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा के वो आपके प्रिसिपिटेट शो कर सकते हैं। तो जनरल प्रिसिपिटेट कौन कौन से होते हैं? जनरल प्रिसिपिटेट मतलब AgCl, AgBr भी आपको दे सकता है और AgI भी दे सकता है। जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपको दे सकता है BaSO4। ये सब प्रिसिपिटेट होते हैं, ये भी दे सकता है, और आपको PbI2 भी दे सकता है, PbBr2 भी दे सकता है। ये सब आपके प्रिसिपिटेट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको देगा AgNO3, इसके लिए आपको देगा AgNO3, इसके लिए आपको देगा बच्चों BaSO4 के साथ रिएक्शन देगा, ठीक है, ये जनरल रिएक्शन देगा। इसके लिए आपको लेड एसीटेट के साथ देगा, या फिर किसी के साथ भी दे सकता है, PB के साथ, PB+2 वाले किसी कंपाउंड के साथ देगा, ठीक है, PB+4 वाले किसी कंपाउंड के साथ देगा। देखो एक्चुअली ये है क्या, अब देखो यहाँ पर समझते हैं इस पॉइंट को। रिएक्शन वन एंड रिएक्शन टू। अब देखो रिएक्शन वन और रिएक्शन टू से समझते हैं बच्चों। अब हम, मैंने लिख दिया कोई कंपाउंड जैसे CrNH3 4 4 Cl 2, बाहर मैंने लिख दिया Cl, और यहाँ मैंने लिख दिया CrNH3 4 Cl2 Br। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन थर्ड, CrNH3, यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 Cl3 NH3। ठीक है, अब देखो ये सब आपके क्वेश्चन से, ठीक है, इस तरीके के आपके क्वेश्चन हैं। देखो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये मैंने तीन टाइप के लिए आप लोगों को समझना है। इसमें मैंने अगर AgNO3 मिला दिया, क्या मिला दिया? एक्सिस AgNO3, तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर? अब AgNO3 दिखते ही AgNO3 को वो आयोनिक बॉन्ड से कौन सा Cl जुड़ा हुआ है, ये वाला या ये वाला? आप देखोगे ये वाला Cl आपका आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाला Cl आपका आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला Cl आपका आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाला Cl आपका आयोनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से आपका AgCl का क्या निकल जाएगा बच्चों? प्रिसिपिटेट। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? AgCl का प्रिसिपिटेट निकल जाएगा। बात क्लियर है? अब यहाँ पर मैंने अगर एक्सिस AgNO3 ले लिया, अब बताओ यहाँ पर क्या निकलेगा, AgBr या AgCl? देखो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या है, Br है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का निकलेगा AgBr। क्या निकलेगा यहाँ पर आप लोगों का? AgBr। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर फिर मैंने एक्सिस AgNO3 लिया, तो क्या होगा?
क्या होगा, क्या यहाँ पर आपका निकलेगा, क्या यहाँ पर आपका, देखो क्या यहाँ पर कोई आपका प्रिसिपिटेट निकलेगा, नो प्रिसिपिटेशन अकर यहाँ पर किसी भी टाइप का आपका प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। अब इससे क्या एनालिसिस करने को मिला, इससे हमको एनालिसिस करने को मिला बच्चों, यहाँ पर इससे हमको एनालिसिस करने को क्या मिला, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो रिएक्शन वन में एनालिसिस करने को क्या मिला कि इन रिएक्शन वन Cl- entity is combined with ionizable entity. Cl- entity क्या होगा बच्चों, ये ionizable, मैंने आपको बताया था Cl जो बाहर वाला Cl है वो आपका ionizable है, बाहर वाला Cl क्या है बच्चों, ionizable है, इसीलिए वही आपका precipitate में participate कर रहा है। और यहाँ पर Br क्या है बच्चों, Br भी ionizable है, Br भी क्या है बच्चों आपका ionizable, मतलब क्या है कि ionizable part बोलो, या फिर ionizable को हम dotted line से शो करते, dotted line part only show precipitation reaction तो केवल और केवल कौन से आपके आपके ionizable part ही आपके कौन से reaction को show करेंगे, precipitation reaction को show करेंगे। ये था इसका concept, मतलब main concept। तो I hope कि आप लोग video को pause करो और इसको लिखो, then after हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करते हैं अब, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब हम फिर मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चन वाले लेक्चर लूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे की ओर और मूव करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखो, सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कौन सी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, इस चीज का ध्यान रखो। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, a complex compound corresponding to formula COBr2 Cl 4 NH3, ठीक है। What is the structural formula? If conductivity measurement shown 2 ion per formula unit, show 2 ion per formula unit, ठीक है। इसके बाद AgNO3 solution gives an immediate PPT of Ag Cl but no AgBr, ठीक है। AgBr का precipitate नहीं देगा आपको, किसका देगा, AgCl का देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों ये। अब देखो यहां पर हमको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, बहुत ही आसान तरीका है। 2 आयन पर फॉर्मूला यूनिट मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन कितने होने चाहिए, सॉल्यूशन समझते हैं, टोटल नंबर ऑफ आयन कितने होने चाहिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ आयन होने चाहिए 2
टोटल नंबर ऑफ आयन होने चाहिए टू। टू आयन का मतलब एक आपका, या तो एक आपका क्या हो जाए कैटायन हो जाए, या तो एक आपका क्या हो जाए एनायन हो जाए। दोनों कभी भी कंपाउंड बनेगा तो एक कैटायन और एक एनायन से हो जाए, ठीक है, या तो एक कैटायन होगा एक एनायन होगा, ठीक है। अगर बेटा तीन होगा तो तीन में क्या पॉसिबिलिटी है, तीन में पॉसिबिलिटी है कि दो कैटायन हो जाए, दो कैटायन हो जाए एक एनायन हो जाए, और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, दो एनायन हो जाए और एक कैटायन हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी। आप पॉसिबिलिटी डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, पॉसिबिलिटी डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डिपेंड करेगा पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पर ये हमको दिया है, इससे मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। अब देखो हमको क्या बोला है, टू आयन से, तो टू आयन से बनने वाले दो कंपाउंड बन जाएंगे। देखो ये तो आपका आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, अगर ये बाहर भी होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जीरो है, दोनों की वजह से ही बनेगा आयोनिक, दोनों की वजह से ही बनेगा। तो दो फॉर्मूले बनने की पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी, CO, CO के बाद COBrCl, ठीक है, COBrCl फॉर NH3 4, NH3 4, ये एक मैंने लिख लिया, और बाहर मैंने क्या कर दिया, एक Cl लगा दिया, एक Br लगा दिया, और सेकंड मैंने कर दिया कि CO, ठीक है। आप देखो इसको तोड़ो कितने आयंस बनेंगे, इसको तोड़ो कितने आयंस बनेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बार मैंने Cl को बाहर कर दिया, Br2NH3 4, यहाँ पर Cl, इसको तोड़ो कितने आयंस बनेंगे, पहले आयंस चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्या मैंने भी सही बनाया कि नहीं बनाया, क्या पता मैं गलत भी बन सकता है बेटा, ऐसा कंफर्म तो नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो सही होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ आयन चेक कर लो बेटा, इसमें COBrCl, इसको तोड़ेंगे पानी में तो कैसे तोड़ेंगे बच्चों, इसके ऊपर क्या आ जाएगा Br माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, अब ये इसको तोड़ो COBr2NH3 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, तो देखो नंबर ऑफ आयन कितने हो गए बच्चों, इसमें एक माइनस चार्ज है एक प्लस चार्ज है, तो दो हो गए, यहाँ पर आयन्स भी कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर भी दो, तो ये कंडीशन फुलफिल हुई। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है, हमको बोला है कि AgBr का प्रिसिपिटेट कौन देगा, मतलब हमारा AgBr का प्रिसिपिटेट नहीं आना चाहिए, हमारा किसका आना चाहिए प्रिसिपिटेट, AgCl का, तो इस कंडीशन को देख लेते हैं, अब AgBr का प्रिसिपिटेट आएगा कि AgCl का आएगा, देख लेते हैं। अगर मैंने इसके अंदर रिएक्शन करा दी, इसके अंदर एक्सिस AgNO3 मिला दिया, क्या मिला दिया, एक्सिस AgNO3, और इसके अंदर भी क्या मिला दिया बच्चों, एक्सिस AgNO3, ठीक है, मिला दिया मैंने। अब बताओ इसके अंदर एक्सिस AgNO3 मिला दिया, और इसके अंदर भी मैंने क्या मिला दिया बच्चों, एक्सिस AgNO3, अब बताओ वहाँ पर क्या निकलेगा, वहाँ पर सामने हमारा क्या निकलेगा बच्चों, समझते हैं, यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पर हमारा निकलेगा COBrCl NH3 4, ठीक है, वो NH3 4, तो सॉरी यहाँ पर Ag आपका Br के साथ निकलेगा, यहाँ पर मतलब AgBr क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट को नीचे वाले एरो से बनाते, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा बच्चों, हमारा AgCl। तो अब देखो हमारे कौन से ऐसे कंडीशन है जिसको फुलफिल कर रहा है, दो आयन होने चाहिए, दोनों में दो आयन है, लेकिन लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, विल ओनली गिव इमीडिएट AgCl का प्रिसिपिटेट देना चाहिए, AgBr का नहीं, ये तो AgBr का दे रहा है, तो कौन सा वाला होगा बच्चों आंसर आपका, ये वाला, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसका हम अब स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा बनाए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने आपको बताया था प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो चालू करते हैं। देखो सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालो, प्राइमरी वैलेंसी इज अ ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चों CO का, देखो ये आपका माइनस होगा ये आपका प्लस होगा, तो आप देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसका, ये हो जाएगा आपका एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू माइनस वन, एक Br के ऊपर माइनस वन चार्ज, 4 × 0 इक्वल टू प्लस वन, देन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि मैंने आपको बता रखा है लास्ट लेक्चर में, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंट इनटू डेंटिसिटी, तो नंबर ऑफ लिगेंट, यहाँ पर अमोनिया के चार लिगेंट है
और ये होता है यूनिडेंटेड, इसके दो लिगेंड, दो लिगेंड है, और ये भी क्या होता है बच्चों आपका यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड की वजह से वन, टोटल कितना हो गया बच्चों आपका छः। तो आपके ये तो आपके किससे अटैच होगा बच्चों, ये आपका अटैच होगा सॉलिड लाइन से, ठीक है, और यहाँ पर ये किससे अटैच होगा, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से, ठीक है ना, लाइन से। अब देखो ये वाले की वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, मतलब ये वाला आपका क्या प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट किया, और इसकी वजह से भी कोई ना कोई चार्ज आ रहा है ना, तो ये भी आपका किसके अंदर पार्टिसिपेट किया, प्राइमरी वैलेंसी के अंदर, ये दोनों प्राइमरी वैलेंसी के अंदर पार्टिसिपेट किया, और सेकेंडरी वैलेंसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो ये भी आपका सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट किया, ये भी आपका सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो कौन कौन से आपके प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट किए, कौन कौन से आपके सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट किए, वो भी मैंने बता दिया। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले छः लाइन, छः सॉलिड लाइन कोऑर्डिनेशन मेटल आयन से निकाल लेता हूँ, मेटल आयन से मैंने छः सॉलिड लाइन निकाल ली है, ठीक है, इस तरीके से मैंने छः सॉलिड लाइन निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने एक लिख दिया बी आर, यहाँ पर बी आर लिख दिया, यहाँ पर चार एन एस थ्री, यहाँ पर चार एन एस थ्री, एन एस थ्री लिखेंगे, चार चार एन एस थ्री लिखेंगे, देखो चारों एन एस थ्री लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर, अब क्या करेंगे, अब देखो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा रहता है उसको हम डॉटेड लाइन से, तो एक सी एल आपका प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, एक सी एल आपका प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा भी है ना कि आपका दोनों बी आर भी आपका प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, दोनों बी आर भी आपका प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहां पर दोनों में डॉटेड लाइन, अब देखो यहां पर बातें समझना है कि केवल और केवल वही आपका आयोनाइजेबल होगा जिसमें ओनली डॉटेड लाइन होगा, केवल और केवल यही आपका क्या होगा बच्चों, यही क्वांटिटी आपकी आयोनाइजेबल होगी, ठीक है, आयोनाइजेबल होगी, ये बात भी मैंने आपको बताया था, आयोनाइजेबल पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को डील किया, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वर्नर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पे, फिर हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो देख लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। इसके बाद पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से पहले एक क्वेश्चन ले रख लेते हैं, अ सिक्स क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझो, क्वेश्चन को पूरे अच्छे से समझो, हम लोग क्या करते हैं भागते हैं, हमको भागना नहीं है, हमको क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझोगे, देखो केमिस्ट्री को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका, लाइन समझो केमिस्ट्री सॉल्व, केमिस्ट्री ही सबसे इजी सब्जेक्ट है इन द वर्ल्ड, तो उस चीज को समझो, फॉर फॉर्मूला, ठीक है, सी आर सी एल थ्री डॉट सिक्स एच टू ओ, क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया गया, नहीं, हैज ग्रीन कलर, इसका कलर क्या है बच्चों आपका ग्रीन कलर है, ठीक है, अ 0.1 एम सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3 गैव 28.7 ग्राम ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है, द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स वुड बी, ये आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, आप लोगों को क्या डील करने के लिए बोला है, सिक्स कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, इस लाइन का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सिक्स, ठीक है, ये भी आपका यूनिडेंटेड लिगेंड है, ये भी आपका लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब आपको बोला क्या क्या गया है कि कॉम्प्लेक्स है,
और कॉम्प्लेक्स किसका है बच्चों? इसी का। इसमें से कोई आपका कोई सीएल बाहर रहेगा, कोई सीएल अंदर रहेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। 6H2O, ठीक है, ये आपका कोई कंपाउंड है, ठीक है। इसका कितना? 0.1 m आपका सॉल्यूशन दिया गया है। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई है, करवाई गई है बच्चों? ट्रीटेड विद एक्सिस AgNO3। जब इसको एक्सिस AgNO3 के साथ करवाया गया है रिएक्शन, तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से आपका AgCl का वाइट प्रिसिपिटेट निकलेगा। किसका निकलेगा? वाइट प्रिसिपिटेट। वाइट प्रिसिपिटेट मतलब AgCl, वाइट प्रिसिपिटेट मतलब AgCl, ठीक है। वाइट प्रिसिपिटेट मतलब आपका AgCl, ठीक है। तो AgCl का वाइट प्रिसिपिटेट निकलेगा और AgI2 का AgBr का वो येल्लो कलर का प्रिसिपिटेट होगा, ठीक है। तो AgCl बोल दिया, यहाँ पर देगा कभी, ये भी शायद देगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी सोचा जा सकता है कि यहाँ पर केवल क्लोरीन है, क्लोरीन है तो क्लोरीन का ही देगा, ये भी सोचा जा सकता है। यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन का ही होगा, ठीक है। AgCl का वाइट प्रिसिपिटेट निकला, चलो बहुत बढ़िया निकल गया, ठीक है। अब इसका वेट, वेट मुझको दिया गया है, कितना दिया गया? 28.7 ग्राम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे डील करें? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखो, इस क्वेश्चन को डील करने का मैं तुमको टेक्निक बताता हूँ। अब देखो, ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलता है? ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चों? ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चों? यहाँ पर समझना, ये मैंने कोई रिएक्शन लिखा अल्फा ए बीटा बी गामा सी डेल्टा डी, तो ग्राम इक्विवेलेंस रिएक्शन ये बोलता है कि ग्राम इक्विवेलेंस जीई ऑफ ए जीई ऑफ बी जीई का मतलब ग्राम इक्विवेलेंस जीई ऑफ सी इक्वल टू जीई ऑफ डी। मतलब इसमें स्टोकियोमेट्री से कोई रिले कोई मतलब नहीं होता, इसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से स्टोकियोमेट्री कोफिशिएंट से कोई भी मतलब नहीं होता, नो रिलेशन, मतलब स्टोकियोमेट्री इसके अंदर हमको लेना नहीं होता। अब हम सीधा बोल सकते हैं कि इसके लिए हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसके लिए हम ये आपका बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ AgCl। अब आपको लास्ट मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया होगा 1 m का मीनिंग क्या होता है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ 1 m, या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया होगा मीनिंग ऑफ 0.1 m। 0.1 m का मीनिंग क्या होता है? मोलारिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मोलारिटी की डेफिनेशन होती है बच्चों नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को 1 लीटर मान लूँ तो आपका मोल कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर मोल आ जाएगा 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल। अब आपको क्या बोला है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है, अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि 0.2 m तो इसका मतलब लीटर वन है तो ये आपका इतना, ऐसे ही करना है। अब देखो यहाँ पर मोल कितना आया हमारे पास, ये जो मोल आया, अब देखो किसका लिए था बच्चों? ये 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन था, तो कॉम्प्लेक्स का मोल कितना आ गया? और ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ क्या? कॉम्प्लेक्स इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ AgCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वेट अपॉन मोलर मास। तो इसका मोलर मास आपका होता है बच्चों, यहाँ पर इसका मोलर मास आपका होगा, इसको देख लेते हैं, इसका मोलर मास आपका यहाँ पर होगा बच्चों 143.2। कितना होगा? 143.2 इसका मोलर मास होगा, मोलर मास आपको दिया गया होगा, मोलर मास इसका कितना होगा? 143.2, ठीक है, 143.2। मतलब AG का जो होगा, AG का होता है 108.1, और CL का होता है 35.5, ठीक है, 108.7 होता है इसका, ठीक है। तो कितने AG है? 1 AG है तो 108, इसमें इसको ऐड किया तो क्या जाएगा बच्चों? ये आपका 107.7 होता है, ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 2 2, और यहाँ पर 1 8 9 10 11 12 13 13, हाँ ऐसा होता है, बट
ठीक है। अब ए जी सी एल का मुझे मोलर मास मिल चुका है, ठीक है, ए जी सी एल का मोलर मास इतना होता है, ये आपको फिजिकल में बताया जाएगा। अब देखो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ ए जी सी एल डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए जी सी एल इंटू एन फैक्टर। अब ए जी सी एल का एन फैक्टर कितना होगा, अब ए जी सी एल को तोड़ो साइड में, ए जी प्लस वन सी एल माइनस, एन फैक्टर निकालो, एन फैक्टर नंबर ऑफ कैटायन वन और चार्ज कितना है वन है, तो कितना हो गया वन, तो इसका एन फैक्टर वन आ गया। अब यहाँ पर इसके मोल कितने अभी अभी निकाला, इसकी 0.1 मोल है और यहाँ पर एन फैक्टर है, ठीक है। हमको सबसे पहले एन फैक्टर निकालना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम कोशिश करो कि मैं इसका क्या निकाल लूँ, एन फैक्टर निकाल लूँ। अगर एन फैक्टर निकाल लिया तो क्वेश्चन आधा वैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एन फैक्टर निकालना है तो यहाँ पर इसको हटाया, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए जी सी एल, यहाँ पर एन फैक्टर हो गया, एन फैक्टर इक्वल टू 10 वहाँ जाएगा, 10 इंटू वेट ऑफ ए जी सी एल, वेट ऑफ ए जी सी एल कितना दिया गया, 28.7 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए जी सी, यहाँ पर ए जी सी एल का मोलर मास मैंने बता दिया 143.2। अब इसको करेंगे डिवाइड तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.2 और एन फैक्टर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 2, 1 से मल्टीप्लाई था इसलिए हटा दिया। अब यहाँ पर एन फैक्टर आपका हो चुका है 2। इफ़ अगर आपका एन फैक्टर 2 हो जाता है तो कुछ हम इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर मैंने ये मान लिया कंपाउंड आपका कुछ ऐसा है, कंपाउंड अगर आपका ऐसा हो जाए H2O5 यहाँ पर Cl और बचा हुआ यहाँ पर Cl2। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एनायन और कैटायन निकालो, क्या इसका एन फैक्टर 2 आ रहा है, चेक, क्या इसका एन फैक्टर 2 आ रहा है, देख लेते हैं। इसको तोड़ो पानी में, पानी में तोड़ते क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर CrH2O5Cl यहाँ पर हो जाएगा +2, यहाँ पर हो जाएगा 2Cl माइनस। अब बोलो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कैटायन इंटू चार्ज, दो आ गया इन्फेक्टर, तो इसका मतलब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा। और आपको होमवर्क ये है कि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी, और आपको भेजना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, ठीक है। एक बार अगर आप बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेई ने एक दो बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जेई ने पूछा हुआ था एडवांस में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एडवांस लेवल का का कंसेप्ट है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसलिए बता दिया कि कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल है, बस हमारा माइंड है ना उस तरीके से चलना चाहिए। जेई एडवांस इज़ अ वेरी इजी एग्जामिनेशन इन इंडिया, बट हमारा माइंड उसके लेवल का चलना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर हम किसी के लेवल की सोच रहे हैं, किसी लेवल पे, मतलब जैसे हम दे रहे हैं और ओलंपियाड का एग्ज़ाम, और हम ओलंपियाड लेवल की थिंकिंग रखते हैं तो हमारा ओलंपियाड क्लियर होगा। जेई है तो हम जेई लेवल की थिंकिंग रखें ना तो हमारा जेई 100% क्रैक होगा, ठीक है। तो अब हम, ये था हमारा वर्नर थ्योरी से रिलेटेड कुछ डिटेल कंसेप्ट के क्वेश्चन। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गए होंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सब कुछ निकाल के आपको वर्नर थ्योरी से बिठाना है, ठीक है। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, देख लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। जनरली आप लोगों को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा, बहुत लोग बहुत कुछ बताएंगे, मैं आपको सिंपल लाइन में ख़त्म करूंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचूंगा। देख लेते हैं अब हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बॉन्डिंग का दूसरा कंसेप्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। बहुत लोग बहुत कुछ कुछ बोलेंगे, हम लोगों को किसी की नहीं सुननी, हम लोगों को बस जो मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक्चुअली ये क्या काम करता है, एक्चुअली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज़ यूज फॉर आइडेंटिफाई द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज़ यहाँ पर ध्यान देता हूँ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज यूजफुल टू फाइंडिंग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, या फिर और सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कंपाउंड सी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के काम आती है ये, इसका आपका कंसेप्ट है, थोड़ा सा इस चीज पे समझो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के काम आती है, ठीक है, हमको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस को डील करना है, समझना बात को, ठीक है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते तो निकालते कैसे, सर काम की बात तो आपने बता दी लेकिन निकालते कैसे हैं, निकालने का तरीका समझो, देखो निकालने का तरीका बड़ा ईजी है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, मतलब सेंट्रल मेटल आयन के आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन है, आयन्स मतलब चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले इसकी बात नहीं कर रहा, मैं M+N की बात कर रहा हूँ, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को फोकस करना है। अब थर्ड पॉइंट जो है बच्चों, इसका काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल टू द नियरेस्ट नियरेस्ट नोबल गैस ऑफ CMI, मतलब CMI के नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल होगा। जैसे नहीं आया समझ में, आप तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आया, तुम समझना बात को, जैसे FeA, एक एग्जांपल अगर मैं बोलना चाहूँ, FeA का CO5 है ठीक है, जो अगर मैं FeA का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, हीना नीना और करीना, मतलब आपका Fe का नियरेस्ट होगा सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, रखो हाइड्रोजन, दो मिनट हाइड्रोजन ये वाला हटाओ, ली ना के, ठीक है, हाँ, तो इसका नियरेस्ट कौन सा होगा बच्चों, आपका क्रिप्टोन होगा, और क्रिप्टोन का कितना होता है 36, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई मोलिब्डेनम का लिगेंड के साथ है तो मोलिब्डेनम का नियरेस्ट कौन सा है बच्चों, ज़ेनोन का कितना होता है 54। तो जो ये मेटल आयन है, मतलब बात क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये मेटल आयन है, मेटल आयन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, वो मोलिब्डेनम के आजू बाजू 54, Fe के आजू बाजू कितने होने चाहिए 36, Fe के आजू बाजू कितने हो आपके होने चाहिए 36, तो ही ये आपका then it is follow EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, और अगर आपका नहीं है ऐसा नहीं है,
तो ये आपका EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर मोलिब्डेनम का अगर 54 हुआ देन इट इज़ फॉलोड EAN रूल, ये EAN रूल को फॉलो करेगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर मेटल आयन का उसके नियरेस्ट एटम के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा तो वो EAN रूल को फॉलो करेगा, लेकिन अगर नियरेस्ट एटम के इक्वल नहीं होगा तो वो EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। लेकिन अब भी आपके डाउट है कि ये एक्चुअली में यहाँ पर जब तक ऐसा होगा तो इसका मतलब EAN रूल फॉलो होगा। EAN रूल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फॉलो होगा। अगर नहीं हुआ ऐसा तो EAN रूल आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉर EAN रूल, ये EAN रूल का कंडीशन है, ये EAN रूल का कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये जो मैंने लिखा है दिस इज़ अ रूल ऑफ EAN रूल का कंडीशन है। ठीक है, बात समझो, इसको मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक टेबल देखो, Fe का नियरेस्ट उस तरफ आपका क्रिप्टन होगा और क्रिप्टन का 36 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मतलब एटॉमिक नंबर ही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कब, जब आपका वो एटम क्या हो, न्यूट्रल हो। ठीक है, एटम न्यूट्रल है तो वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी लिख लो आप लोग, आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके लिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन आफ्टर, सर निकाले कैसे EAN। ठीक है, तो एक दो मैं EAN निकाल के बताता हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। EAN निकालते हैं, देखो सबसे पहले EAN निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द EAN इफेक्टिव एटोमिक नंबर इन, अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मैं सीधे क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत सारे ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पहला ए हमारा है बच्चों, यहाँ पर Fe CN6 3-। बी क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर बी क्वेश्चन है Ni CO4। ठीक है, सी क्वेश्चन है हमारा Ni DMG2। ठीक है, और डी क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर Cr CO3 NO2 का यहाँ पर 2। ठीक है, और एक अच्छा क्वेश्चन आ रहे थे यहाँ पर ई का हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर ई का निकाल देते हैं Na4 Fe CN5 NOS। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसका आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक है, एक और लेते हैं ABCDEF में आपको करा देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको वो क्वेश्चन भी करने होंगे। NiBrClEn। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से आपके इफेक्टिव एटॉमिक रूल को फॉलो करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं आप लोगों को, आप लोग मुझे अच्छे से जान चुके होंगे कि अब मैं फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूला मुझे पसंद नहीं है, तो आप लोग इस बात को जानते होंगे, मैं कंसेप्ट पे चलना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पर फटाफट ईजी है। ठीक है, देखो सबसे पहले Fe में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल Fe में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके न्यूट्रल एटम के बराबर, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Fe का एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कितना होता है बच्चों,
एटॉमिक नंबर ऑफ Fe होता है बच्चों यहाँ पर आपका 26। इस बात को ध्यान से समझो, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। मतलब जब न्यूट्रल स्टेट में होगा तो Fe के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। लेकिन क्या यहाँ पर न्यूट्रल स्टेट में है? नहीं है। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे एक्स प्लस सिक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री, देन आपका क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस थ्री। मतलब यहाँ पर Fe नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Fe प्लस थ्री है। अब देखो Fe में 26 इलेक्ट्रॉन है तो Fe प्लस थ्री में कितने होंगे, तीन बाहर निकल जाएंगे, प्लस वाला है, तो यहाँ पर कितने हो गए Fe प्लस थ्री में कितने इलेक्ट्रॉन है 23 इलेक्ट्रॉन है। बहुत बढ़िया, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों यहाँ पर आपके 23 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपके 23 इलेक्ट्रॉन है, तो 23 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर CN, एक लिगेंट हमारा क्या देता है लोन पेयर, एक लिगेंट हमारा क्या देता है, लिगेंट का काम क्या है हमारा लोन पेयर देना, और एक लिगेंट एक लोन पेयर देगा, तो यहाँ कितने लिगेंट है 6 लिगेंट है, तो कितने लोन पेयर देंगे 6 लोन पेयर देंगे, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से समझो, फिर से एक लिगेंट में एक लिगेंट हमारा एक लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर देगा, समझ में आया, एक लिगेंट हमारा एक लोन पेयर देगा, तो यहाँ कितने लिगेंट है 6 लिगेंट है, तो 6 लिगेंट हमारे 6 लोन पेयर देंगे, और अगर एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 लोन पेयर में 12 इलेक्ट्रॉन। नहीं आया, नहीं आया समझ में, फिर से समझो, देखो एक फिर से ध्यान से समझना, एक लिगेंट लिगेंट हमारा लोन पेयर देता है, लिगेंट हमारा लोन पेयर देता है, एक लिगेंट एक लोन पेयर देगा, 6 लिगेंट 6 लोन पेयर देंगे, 6 लिगेंट 6 लोन पेयर देंगे, और एक लोन पेयर में 12 इलेक्ट्रॉन, 6 लोन पेयर में सॉरी एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 लोन पेयर में 12 इलेक्ट्रॉन। देखो एक लिगेंट एक लोन पेयर देगा, 6 लिगेंट 6 लोन पेयर देंगे, तो 6 लोन पेयर में एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन तो 6 लोन पेयर में 12 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12। तो ये एक्चुअली क्यों मैंने 12 लिखा, क्यों मैंने यहाँ पर 2A लिखा, इसको समझना, जो CN है CN है वो Fe को ही तो दे रहा होगा, तो Fe के आजू बाजू कितने हो जाएंगे, इसकी वजह से इसके दिए हुए 12 इलेक्ट्रॉन, इसके दिए हुए 12 इलेक्ट्रॉन, और इस Fe प्लस थ्री में पहले से 23 है, तो वो अराउंड हो गए ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 25। ठीक है 25। इसका जनरल फॉर्मूला भी मैं आपको बता सकता हूँ जनरल फॉर्मूला, लेकिन वो लगाने से कोई मतलब नहीं है, आप इस तरीके से करोगे तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं तरीका क्यों बताता हूँ, क्योंकि हम एडवांस लेवल पे क्वेश्चन को कर सके। देखो मैं तरीका इसीलिए बताता हूँ आप लोगों को कि आप क्वेश्चन को एडवांस लेवल पे सोच सको, लेकिन अगर मैं तरीका नहीं बताऊँ शॉर्टकट बताऊँ तो आप क्या आप मेंस निकाल लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो एडवांस में आप लोग घबराओगे क्या करना है क्या करना है क्या करना है, तो इसीलिए मैं आपको तरीका बताऊँगा, मेथड मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अब देखो जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ कैसा होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल CMI माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × नंबर ऑफ लिगेंट, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रोवाइडेड बाय लीगेंट, या फिर ऐसे लिख दो नंबर ऑफ लोन पेयर प्रोवाइडेड बाय लीगेंट, बस ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला, लेकिन हम फॉर्मूले पे नहीं, हम तरीके से सोचेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ निकल होता है बच्चों आपका 28 होता है। क्या यहाँ पर निकल आपका निकल ही है, पहले पता लगा लेते, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका क्या होगा एक्स प्लस 4 × 0 इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 0, तो मतलब यहाँ पर निकल के ऊपर चार्ज कितना है, यहाँ पर निकल 0 वाला है, यहाँ पर निकल कितने वाला है 0 वाला, तो मतलब ऐसा ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 28 प्लस। अब यहाँ पर एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन देगा, एक लिगेंट आपका एक लोन पेयर देगा, तो ये एक्चुअली यूनिडेंटेड है, जो चार लिगेंट है यूनिडेंटेड लिगेंट है, चार है, चार लिगेंट कितने लोन पेयर देंगे 4 लोन पेयर, और 4 लोन पेयर का मतलब
आठ इलेक्ट्रॉन, चार लोन पेयर का मतलब आठ आठ इलेक्ट्रॉन, मतलब चार चार आठ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक लिगेंट आपका एक लोन पेयर देगा तो चार लिगेंट आपके चार लोन पेयर देंगे, और एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन तो चार लोन पेयर में आठ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एट, तो टोटल कितना आ गया 36। यहाँ पर होगा बच्चों आपका, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 35। ये आपका ई एन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा। ये आपका ई एन को फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है। ठीक है, ये आपका ई एन को फॉलो कर रहा है। अगला देखो, अगला एटॉमिक नंबर ऑफ निकल, ये अब आपको याद होगा एटॉमिक नंबर ऑफ निकल कितना होता है बच्चों, 28। यहाँ पर निकल के ऊपर डीएमजी के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। तो यहाँ पर एक्स प्लस 2 × -1, ऊपर चार्ज कितना है? 0 है। यहाँ पर 0 है तो 0 लिख दिया, तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों यहाँ पर? +2। x इक्वल टू कितना आ गया? +2। तो यहाँ पर निकल कौन सा वाला है? +2 वाला, और निकल +2 वाला होगा तो इसके ओरिजिनल वाले निकल से दो इलेक्ट्रॉन हटा दो, तो 26। अब डीएमजी क्या होता है? बाइडेंटेड, मतलब डीएमजी आपका दो लोन पेयर देगा, तो दो डीएमजी आपके कितने देंगे? चार लोन पेयर, चार लोन पेयर। फिर से समझना, डीएमजी बाइडेंटेड होता है तो इसका मतलब एक डीएमजी आपका दो लोन पेयर देगा, तो दो डीएमजी कितने देंगे? चार लोन पेयर, चार लोन पेयर का मतलब कितने? आठ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आठ हो जाएगा। आठ होते ही यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर? 34। इसके ई एन की वैल्यू 34 आएगी, जो कि आपके ई एन की वैल्यू नियरेस्ट, नियरेस्ट वाले का कितना है? 36 है। इसमें भी नियरेस्ट निकल के नियरेस्ट कितना है? 36, जो कि आपका क्रिप्टोन का है, जो कि आपका यहाँ पर भी क्रिप्टोन का है, यहाँ पर भी 36 है जो कि आपका क्रिप्टोन का है। उसके इक्वल नहीं आ रहा ना, तो कट कर दिया, नहीं फॉलो कर रहा। इस क्रिप्टन के इक्वल आ गया ना, हाँ फॉलो कर रहा है। अब देखो इसका निकालते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होता है? क्रोमियम का होता है 24। क्रोमियम कितना होता है? 24। अब क्या यहाँ पर क्रोमियम है? पता लगा देते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। निकालो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसको एक्स माना, सी ओ के ऊपर चार्ज कितना होता है बच्चों? 0। एनओ के ऊपर, एनओ के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। एनओ के ऊपर आपका चार्ज कितना होता है बच्चों? +1। एनओ के ऊपर आपका चार्ज यहाँ पर क्या होगा बच्चों? +1। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं एक्स 3 × 0, यहाँ पर क्या होगा एनओ के ऊपर? यहाँ पर 2 एनओ है और एक एनओ के ऊपर +1, तो टोटल ये आपका नेट 0 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। तो मतलब यहाँ पर क्रोमियम कौन सा वाला है? -2 वाला, और -2 वाला क्रोमियम होने का मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन को मुझे डालना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा? दो इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा, तो 24 ये हो जाएगा 26। अब इसके साथ क्या जोड़ना है बेटा? इसके साथ हमको जोड़ना है कितने लोन पेयर आए, लोन पेयर तो मेटल पे आ रहे होंगे ना, लोन पेयर कैसे आते हैं बच्चों? देखो जैसे ऐसा होता है स्ट्रक्चर, अब देखो एनएससी ने अपना लोन पेयर सारे के सारे इसको दिए ना, तो लोन पेयर मेटल पर आते हैं, लोन पेयर सारे के सारे मेटल के आजू बाजू रहते हैं। तो करो सी ओ का क्या होगा, एक सी ओ एक लोन पेयर देगा, यूनिडेंटेड है, तो तीन सी ओ कितने लोन पेयर देगा? तीन आपके सी ओ कितने लोन पेयर देगा? तीन लोन पेयर देगा, और तीन लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन सी ओ की वजह से तुम्हें मिल गए। ठीक है, और आपके और भी है ना लिगेंट, एनओ, एनओ आपका एक लोन पेयर देगा, तो दो एनओ आपके कितने लोन पेयर देंगे? दो एनओ आपके दो लोन पेयर देंगे, दो लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे तुमको? एनओ से, तो टोटल कितना हो गया बच्चों ये आपका? हो जाएगा ये आपका टोटल 36। तो क्या ये नियरेस्ट नोबल गैस एटम, मतलब क्रिप्टन के एटॉमिक नंबर के इक्वल है? हाँ है। तो ये आपका किसको फॉलो करेगा? ई एन को फॉलो करेगा, तो ये आपका किसको फॉलो करेगा? ई एन को फॉलो करेगा, 36 क्रिप्टन के इक्वल है, ये आपका ई एन को फॉलो करेगा। ये वाला आप लोगों को खुद से करना है, सेल्फ एक बार ट्राई करना है, ट्राई करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना है एफ ई का, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना होता है, माइनस करना है कि प्लस करना है, ये यहीं पर पता पड़ जाएगा। मतलब आपके एक्चुअली निकल जो है ये वाला, वो Ni2+ है, और इसके अंदर जो निकल है वो Ni0, मतलब यही वाला है। तो इसके अंदर Fe कौन सा है पहले वो निकालो, उसके बाद ये वाला लोन, ये जो लिगेंट है वो एक लोन पेयर देगा। और हाँ, ये वाले के लिए कोई क्वेश्चन ध्यान रखना, IUPAC नेम भी आपको लिख के मुझे बताना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने दिया ये। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ निकल कितना है। एटॉमिक नंबर ऑफ निकल
कितना होता है, 28 होता है, ठीक है 28 होता है, आप पीरियोडिक टेबल में झांक सकते हैं। अब इसका सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, इसके अंदर निकल कौन सा वाला है। तो इसको एक्स माना, एक बी आर के ऊपर माइनस वन, एक सी एल के ऊपर आपका माइनस वन, ठीक है, और ई एन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक ई एन के ऊपर चार्ज कितना होता है, जीरो, तो यहाँ जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर एक्स इक्वल टू आ गया प्लस टू, तो यहाँ पर निकल कौन सा वाला है, प्लस टू वाला, और प्लस टू वाले सी एम आई के आजू बाजू कितने इलेक्ट्रॉन है अभी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो पहले से कितना होगा, 26 होगा, प्लस की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 26। अब एक बी आर एक लोन पेयर देगा, एक बी आर की वजह से एक लोन पेयर मतलब दो, एक सी एल आपका एक लोन पेयर देगा मतलब कितने, दो इलेक्ट्रॉन, एक ई एन आपके दो लोन पेयर देता है, एक ई एन आपके दो लोन पेयर देता है, तो एक ई एन आपके दो लोन पेयर देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, चार, मतलब एक ई एन आपके चार इलेक्ट्रॉन देगा, तो कितना हो गया बच्चों, ये आपका 34। क्या ये नियरेस्ट नॉबल गैस के इक्वल है, इसका जो है क्रिप्टन का 36 होता है, क्या ये इक्वल है, नहीं है, तो ये भी आपका ई एन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ई एन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया बच्चों, ये इस तरीके से हम यहाँ पर ई एन रूल के क्वेश्चन को डील करते हैं। वो ई एन रूल का क्वेश्चन क्या हुआ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी काफ़ी सिंपल को क्वेश्चन है, एक बार आप करोगे तो आप लोगों को आई होप कि 101% आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 101%, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अब हम स्ट्रक्चर वाले पे चलते हैं, थोड़ा सा अब हम स्ट्रक्चर वाले पे चलते हैं। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ ई एन रूल इन स्ट्रक्चर, कैलकुलेशन ऑफ ई एन इन स्ट्रक्चर, कैलकुलेशन ऑफ ई एन इन स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहां पर, कैलकुलेशन ऑफ ई एन इन स्ट्रक्चर्स, और आज के बाद इस चीज को ध्यान रखना, काफी काम आता है, और स्ट्रक्चर आपको आज के आज ही ध्यान रख लेने की, किसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, आपको आज के आज ही ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ सीओ का, देखो सीओ सीओ, इस सीओ का मतलब है कोबाल्ट, ये कार्बन बड़ा है ऑक्सीजन छोटा है, ठीक है, यहाँ पर आपका सीओ ऐसे जुड़ा हुआ है, एक सीओ आपका ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका सीधा इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका सीओ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका एक सी ओ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका एक सी ओ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका एक सी ओ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका एक सी ओ, यहाँ पर आपका एक सी ओ, एक्चुअली ये दोनों कोबाल्ट है, ये सारे सेम है, तो यहाँ का स्ट्रक्चर क्या होगा, सी ओ कितने सी ओ है, एट सी ओ, यहाँ सॉरी दो सी ओ, और सी ओ कितने बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है, ये वाला ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है बच्चों, ऐसा होता है, समझ में आया, समझ में आया, काफ़ी इजी है। अब देख लेते हैं एक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर MN ये डायरेक्टली अटैच है, इन इनका आपको निकालना है। देखो यहाँ पर आपका CO, ठीक है, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा CO, यहाँ पर आपका CO, अभी याद कर लोगे तो बाद में फ़ायदा मिलने वाला है। MN2CO कितना है बच्चों, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच टेन है, यहाँ पर CO टेन है, तो MN2CO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और CO2 कोबाल्ट कार्बोनिल वाले का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब दोनों में हम कैसे EN निकालेंगे, दोनों में हम कैसे EN निकालेंगे, एग्जाम्पल नंबर टू दोनों में हम कैसे EN निकालेंगे समझते हैं। देखो यहाँ पर कुछ एनालिसिस करोगे तो यहाँ पर आपके मेटल और ये मेटल आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पर मेटल और मेटल आपस में क्या है बच्चों, बॉन्डिंग में, कौन से
मेटल और मेटल आपस में किस में बच्चों, बॉन्डिंग में। और जब भी मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। इसमें ध्यान रखना कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, ये आपका डेल्टा बॉन्ड, ये बात को ध्यान रखो, ये आपका डेल्टा बॉन्ड होगा, ठीक है, ये भी आपका डेल्टा बॉन्ड होगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला समझो, ये कौन सा लिगेंट है, ये आपका ब्रिज लिगेंट है। कौन सा लिगेंट है, ब्रिज लिगेंट है। ये भी आपका कौन सा लिगेंट है बच्चों, ब्रिज लिगेंट है। बात को ध्यान से समझना, ये भी आपका ब्रिज लिगेंट है। अब बात समझना कि मैं इसमें कैसे निकाल रहा हूँ, उसमें कैसे निकालूंगा। सबसे पहले हम उसको करते फिर हम इसको करते, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो डेल्टा बॉन्ड की वजह से, डेल्टा बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन हम इसके पास मानेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मानेंगे, ठीक है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल है, ये आपका लिगेंट है। लिगेंट ने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दिए, Mn को दिए, तो इसकी वजह से यहाँ पर कितने मानेंगे, दो। इसकी वजह से यहाँ पर कितने मानेंगे, दो। इसकी वजह से यहाँ पर कितने मानेंगे, दो इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से यहाँ पर दो, और इसकी वजह से भी यहाँ पर दो, क्योंकि ये सारे के सारे इसने Mn को दिए। तो बात समझना यहाँ पर, सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ Mn कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ Mn कितना होता है बच्चों, Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 10 इंटू जीरो, सी ओ का जीरो इक्वल टू जीरो, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जीरो। तो इसके अंदर कैसा एग्जिस्ट करता है Mn, Mn जीरो वाला, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों, 25 पहले से हैं, 25 पहले से हैं, और आजू बाजू जुड़ने की वजह से, बॉन्डिंग की वजह से कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इलेक्ट्रॉन आए। टोटल कितना हुआ, 36। मतलब ये आपका यहाँ पर आपका इस तरीके से निकला। तो यहाँ पर भी आपका Mn कौन सा वाला है बच्चों, जीरो वाला है। Mn कौन सा वाला है, जीरो वाला। तो यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 25 प्लस 11, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 36। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने स्ट्रक्चर से क्यों निकाला, आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो, निकालते हैं। अगर मैं डायरेक्टली निकालता तो यहाँ हमारी मिस्टेक होती, अब अगर मैं डायरेक्टली निकालता तो यहाँ हम मिस्टेक करते। देखो इसका कैसे निकालेंगे, En बोलो, डायरेक्टली निकालेंगे तो देखो यहाँ पर Mn आपका जीरो वाला है, और कितने Mn है बच्चों, दो Mn है। कितने Mn है, दो Mn है। दो Mn का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर दो Mn का हो गया, पर एक Mn में 25, तो दो Mn में कितने, 50 इलेक्ट्रॉन, प्लस CO 10 है, एक CO एक लिगेंड, एक एक CO एक लोन पेयर देगा, तो दो, एक CO एक लोन पेयर देगा, तो 10 CO 10 लोन पेयर देंगे, 10 लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर Mn, मैंने एक मेटल का निकाला है कि दो का है ना, यहाँ पर मैंने दो का लिखा है। अब मुझे एक एटम का निकालना, तो डिवाइड बाई टू करेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 35। क्या ये आपका, इसके हिसाब से डायरेक्टली निकालेंगे तो En कभी फॉलो नहीं होगा, तो हमको स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में कुछ हमको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, यहाँ पर भी इसकी वजह से दो दो मानेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। पहले आपको एटॉमिक नंबर लिखना है, देन आफ्टर करना है। अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इसका लिख लेते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर ऑफ, नंबर ऑफ CO, CO का एटॉमिक नंबर लिख लो। CO का एटॉमिक नंबर कितना होगा बच्चों, निकालो। CO का एटॉमिक नंबर बच्चों यहाँ पर आपका होगा, CO का कितना होता है, 27 जनरल। तो इसका मतलब न्यूट्रल स्टेट में CO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 27। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालो क्या होगा, 2x प्लस 8 इंटू CO के ऊपर चार्ज 0, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर जो आपका CO है वो 0 स्टेट में लाई कर रहा है, मतलब पहले वाले ही, तो 27 के 27, ना कुछ माइनस करना है ना कुछ प्लस करना है, ठीक है। अब एक CO के ऊपर कैसे हो रहा है बेटा देखते हैं। अब देखो डेल्टा बॉन्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, और ब्रिज की वजह से भी एक CO ने अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास काउंट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, कब, जब आपका ब्रिज लिगेंट होता है, जब आपका कौन सा लिगेंट होता है, ब्रिज लिगेंट, ब्रिज लिगेंट की वजह से एक। अब ये डायरेक्टली दोनों के दोनों CO को दे रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास काउंट करेंगे। काउंट करो इस CO के पास कितने आए बाहर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन आए,
तो ये कितना हो गया बच्चों 36, मतलब ये एन रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें भी ब्रिज की वजह से एक, डेल्टा बॉन्ड की वजह से एक, ये वाले की भी ब्रिज लिगेंड की वजह से एक, यहाँ पर ये दोनों के दोनों सीओ से ही जुड़े हैं ना, केवल यहाँ पर सीओ दो सीओ से जुड़ा है इसलिए एक एक दिया, और डेल्टा बॉन्ड की वजह से एक, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर टू, यहाँ पर भी इसी के इक्वल है, तो दोनों का कितना हो जाएगा 36। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर का निकालना जान लो, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है बेटा, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, और ये एडवांस लेवल पे अक्सर पूछा जाता है। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर, देखो क्या होता है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ईएन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, वो ईएन के अकॉर्डिंग बनाया गया। हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होता है, हमको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होता है जो ईएन रूल को फॉलो करे, तो ईएन के अकॉर्डिंग हमारे, हमने स्ट्रक्चर को बनाया है। बात समझ में आ गई, ये है असली कंसेप्ट। ठीक है, कोई कुछ कुछ बोलेगा, आप लोगों को यही कंसेप्ट को अप्लाई करना है हर जगह। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक अच्छे वाले कंसेप्ट बता देता हूँ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, एक हम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ई एन इन पाई, पाई डेंटेड और सिग्मा डेंटेड, ई एन इन, ई एन इन पाई डेंटेड लिगेंट और सिग्मा डेंटेड। अब ये क्या क्या बोली वाला है, पाई डेंटेड लिगेंट, पाई डेंटेड लिगेंट एंड सिग्मा डेंटेड, ठीक है, ये क्या बुरी बोला है। एक और टॉपिक, पाई कैलकुलेशन ऑफ ए एन इन पाई डेंटेड लिगेंट एंड सिग्मा डेंटेड। तो पाई डेंटेड लिगेंट समझते हैं, और एक सिग्मा डेंटेड। ठीक है, अब पाई डेंटेड क्या होगा और सिग्मा डेंटेड क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, समझना बात को ध्यान से। पाई डेंटेड मतलब जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और सिग्मा डेंटेड जो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यहाँ पर विच प्रोवाइड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विच प्रोवाइड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी एज अ लोन पेयर, और यहाँ पर क्या करेगा, विच प्रोवाइड सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज अ लोन पेयर। ये हो गया, अब एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये मैंने एग्जांपल बनाया, कुछ समझना, ये मैंने एग्जांपल बनाया, ये ठीक है, ये मैंने एग्जांपल बनाया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये कम्प्लीटली डीलोकलाइजेशन में, कम्प्लीटली डीलोकलाइजेशन में, यहाँ पर ये कम्प्लीटली किस में बच्चों, डीलोकलाइजेशन में है। ठीक है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। अगर मैंने बॉन्डिंग अंदर से बनाई हो, बॉन्डिंग मैंने कहाँ से बनाई है, अंदर से, इसका मतलब जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन डोनेशन, ऑल इन डोनेशन, सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या है बच्चों, डोनेशन में। अब इसमें बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक दो, माइनस चार्ज की वजह से दो, ऑर्गेनिक में सिखाया दो तीन चार पाँच छः, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा है इस एक की वजह से, इस कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों, डोनेशन हो रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर डोनेशन हो रहा है। अब मैं बताता हूँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मतलब समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये मैंने एग्जाम्पल सेट किया है, और भी एग्जाम्पल लेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल्स सेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने इसी में एग्जाम्पल लिया यही, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, C5H5, यहाँ पर एक C5H5-, C5H5 पे कितना चार्ज है बच्चों, माइनस चार्ज वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ऐसा ही सिमिलर यही लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये भी है
ये C5H5- है। अगर मैंने इफ, ये रेजोनेंस में तो है, रेजोनेंस में है, लेकिन अगर मैंने बोला कि ये जो जो डोनेशन है वो एक्चुअली केवल और केवल इस एटम से ही हो रहा है, तो यहाँ पर अंदर वाला तो पार्ट नहीं किया। एरो में देखो, एरो अंदर तक जा रहा है, मतलब रेजोनेंस वाले को ले रहा है, सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन ये यहीं से ले रहा है केवल और केवल, तो इसको बोलेंगे यहीं से एक ही, मतलब इस तरीके से एरो बन जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर आपका इस तरीके से एरो बन जाएगा, तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, सिग्मा डेंटेड। कौन सा हो जाएगा बच्चों, ये सिग्मा डेंटेड, और सिग्मा डेंटेड, लेकिन डोनेशन किसका हो रहा है, केवल और केवल यहाँ पर माइनस चार्ज का, किसका डोनेशन हो रहा है, माइनस चार्ज का, मतलब ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन डोनेशन, मतलब कितने, दो ही इलेक्ट्रॉन आपके डोनेशन में हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन आपके किस में बच्चों, डोनेशन में हैं, तो इस चीज़ का मतलब समझो, इस चीज़ का मतलब आप लोगों को समझना है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आप लोगों को समझना है, ठीक है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा ही काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अब देखो ये माइनस है, ये है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, एक और एग्जाम्पल, टफ है माना, लेकिन अगर मेरा यहाँ पर मेरा ऐसा दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2-, तो ये क्या बच्चों, हमारा C3H5-, ठीक है। अगर मैंने बोला कि ये ऐसे डोनेशन कर रहा है, मतलब अंदर से, मतलब अंदर तक, ये वाले चार्ज पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये ऐसे मेटल आयन को डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने, 1, 2, 3, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन डोनेशन, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपके डोनेशन में है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेशन में है। लेकिन अगर मैंने इसी एग्जांपल को यहाँ पर सेट किया कि इस तरीके से यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2-, अब मैंने इससे ही मेटल आयन को दिया तो केवल और केवल ये गया, केवल और केवल ये गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन डोनेशन। समझ में आया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आपका डोनेशन में है, यहाँ पर आपका ये है। अब बात आई कि सर हम इसको दिखाएंगे कैसे, समझना, यहाँ पर दिखाने का तरीका, हेप्टासिटी, ठीक है, यहाँ पर भी लिखता हूँ मैं हेप्टासिटी, यहाँ पर भी लिखता हूँ मैं हेप्टासिटी, इसको बोलते हैं हेप्टासिटी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हेप्टासिटी, इसको हम लोग बोलते हैं हेप्टासिटी। अब यहाँ कितने कार्बन है, 5, तो हेप्टासिटी के ऊपर पावर 5 लगा देंगे, यहाँ पर कितने कार्बन है, 5, तो हेप्टासिटी के ऊपर पावर 5 लगा देंगे, यहाँ पर कितने कार्बन है, हेप्टासिटी, यहाँ पर 3 है तो हेप्टासिटी के ऊपर 3 लगाएंगे, यहाँ पर कितने कार्बन है, हेप्टासिटी के ऊपर हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, ऐसा भी दिखा सकते हैं, या फिर इसमें हम ऐसा भी दिखाते हैं कि ये एक्चुअली, समझना, ये एक्चुअली आपका यहाँ पर पाई बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसके लिए पाई C5H5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई C5H5, यहाँ पर ये आपका कौन सा बना रहा है, सिग्मा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेप्टासिटी के बाद सिग्मा, यहाँ पर C5H5, ऐसा भी लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पर ये पाई डोनेशन है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई C3H5, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा C3H5। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा सिग्मा और पाई डोनेशन क्या होता है, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कम से कम करना है, लेकिन कुछ ही करना है, सेलेक्टेड में क्वेश्चन करवाता हूँ, सेलेक्टेड में क्वेश्चन आप लोगों को भी करवाऊंगा, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारा था क्या, पाई डेंटेड लिगेंड और सिग्मा डेंटेड लिगेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, इतना ही काफ़ी है, बार बार इसको करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, लेकिन आई होप कि अभी तक नहीं पूछे गए तो आप पूछ लें, क्या पता, दिस इज डिपेंड अपॉन मूड कि कैसा है, टफेस्ट पेपर बनाना है या सिंपलेस्ट, तो इसको देख लेते हैं अच्छे से, अब देख लेते हैं इसको, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसमें आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। सबसे पहला आपका है Fe, एग्जांपल समझ लो, एग्जांपल
सबसे पहला है आपको निकालना है इसके अंदर एफ ई पाई सी फाइव एच फाइव वन पाई सी थ्री एच फाइव वन, यहाँ पर बोला है सी ओ वन। इसमें आपको निकालना है ई एन, इसमें आपको निकालना है ई एन। एक आपको निकालना है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन, एक आपको इसमें निकालना है ई एन, एक आपको निकालना है इसमें ई एन निकालना है। एमओ, एमओ का मतलब मोलिब्डेनम, एमओ का मतलब मैंने क्या लिया बच्चों मोलिब्डेनम, एमओ का मतलब मैंने लिया मोलिब्डेनम, ठीक है। और एक आपको इसमें निकालना है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा उसके हिसाब से आपको करना है। एमओ सी एल सी एल, यहाँ पर आ जाएगा एमओ, यहाँ पर सी एल, ये आपको याद भी होगा बच्चों, ये आपको याद भी होगा, यहाँ पर इस तरीके से अटैच है, यहाँ पर ये सी एल सी एल, यहाँ पर आपका इस तरीके से, ठीक है, ये आपका है। अब आपको इसमें क्या निकालना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। इन तीनों में निकालना है, देख लेते हैं बच्चों। अब सबसे पहले C5H5 के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होता है। सबसे पहले हम Fe का एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कितना होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ Fe कितना होगा बच्चों आपका, जनरली 26 होता है। क्या होता है जनरली आपका 26 होता है, तो मैंने 26 निकाल लिया, ठीक है। अब इस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो X, C5H5 A की इसके ऊपर चार्ज माइनस वन होता है, ठीक है ना, मैंने अभी अभी लिखा है C5H5 के ऊपर चार्ज माइनस वन होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है कि जो मैंने लिखा है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर C3H5 के ऊपर भी चार्ज कितना होता है, माइनस वन, तो वन माइनस वन। यहाँ पर CO, CO, CO के ऊपर चार्ज कितना होता है, वह एक CO ही तो जीरो चार्ज होता है, तो यहाँ पर न्यूट्रल है तो जीरो। अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, टू, तो यहाँ पर कौन सा वाला Fe है, यहाँ पर Fe प्लस टू है, तो Fe प्लस टू, Fe के अंदर 26, तो Fe प्लस टू के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 24। अब बात समझो C5H5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा होता है। अब ये पाई वाला है, तो पाई वाला मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन देगा, कितने देगा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर एक ने छः दिया, तो यहाँ पर इसकी वजह से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी वजह से हमारे आएंगे छः इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से देखो C3H5 कौन सा वाला है, पाई वाला है, पाई वाला है, तो दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे सारे के सारे, क्योंकि ये रेजोनेंस में है, सॉरी ये गलत रेजोनेंस बनाया, क्योंकि ये इस तरीके से रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर कितने, चारों के चारों पाई वाले काम में आएंगे, तो यहाँ पर कितने, ये आपको कितना देगा, चार इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, क्योंकि पाई लिखा है ना आगे, तो मैं पाई वाले ही बात करूँगा। और सीओ, सीओ तो यूनिट एंटेड लिगेंट है, तो वो एक लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा। अब इसका कैलकुलेट करो तो कितना आएगा, सिक्स प्लस फोर, एक ही एक है ना, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक है तो दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो कितना होगा टोटल, यहाँ पर, यहाँ पर 36, मतलब ये ई एन रूल को क्या कर रहा है बच्चों, फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एक एक सी फाइव एच फाइव छः, यहाँ पर एक था, अगर यहाँ पर दो होता तो मैं दो होता तो ये पूरा कितने इलेक्ट्रॉन देता बच्चों आपको, 12 इलेक्ट्रॉन, कितने देता, 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं बच्चों।